लॉकडाउन के दूसरे चरण में शनिवार को भी महानगर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। इस दौरान पुलिस द्वारा शहर में आ रहे लोगों के पास और मास्क चेक करने के बाद ही आने दिया गया और शहर में बेवजह घूम रहे लोगों को एक एक मीटर की दूरी के घेरे में बैठाकर सजा दी गई। इस संबंध में सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने बताया कि आज से रमजान शुरू हो गया है। इसके लिए दो दिन पहले ही जिलाधिकारी महोदय ने धर्म गुरुओं के साथ बैठक करके अपील की गई है कि घरों में रहकर ही त्यौहार मनाएं। सभी लोग इसका अनुपालन भी कर रहे हैं और जिन लोगों को पुलिस द्वारा बैठाया गया है उन लोगों को थाने ले जाकर थर्मल स्कैनिंग कराई जाएगी और उनको मुचलकों के आधार पर छोड़ा जाएगा और जो लोग बिना कारण घरों से बाहर निकल रहे हैं उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने कहा सड़कों पर ड्राइवर लपट घूमे, चेक पोस्ट पर अपने अपने वाहनों को धीरे धीरे निकालिए, सोशल डिस्टेंस बना के बात करो भाई। रमजान स्टार्ट होने के पहले सभी भी थानों पे केंद्रीकृत रूप में जिलाधिकारी महोदय एसएसपी साहब के द्वारा एक सभी धर्मगुरुओं से मीटिंग कर ली गई थी। उनको सभी बता दिया गया कि लॉकडाउन चल रहा है, उसका पूर्ण पालन करना है, जिसमें उन लोगों ने भी अपनी सहमत जताई और बिल्कुल उन्होंने आश्वासन दिया कि पूर्ण पालन किया जाएगा। सारे लोग नमाज से लेकर तरावी तक जितने भी धार्मिक आयोजन होते हैं सब घर में ही अदा करेंगे, कोई भी सार्वजनिक स्थान पर अदा नहीं करेगा। लगातार पुलिस की गाड़ियों द्वारा अनाउंस भी किया जा रहा है कि इस प्रकार की जो भी धार्मिक आयोजन है सब घर में ही किए जाएं। बाकी पुलिस लगातार उन क्षेत्रों में गश्त कर रही है, लोगों को समझा रही है, अनाउंसमेंट कर रही है। सर अब ये लोग आज तक जो घूम रहे हैं उनके लिए ये बार बार जो अवश्य बैठ रहे हैं इनको बैठाला गया है। अभी इनको गाड़ी बुला के थाने भिजवाया जाएगा, थाने भिजवा के इनकी स्क्रीनिंग की जाएगी और इनके खिलाफ उचित विधिक कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोग उछल कर छोड़े जाएंगे, जो लोग वास्तव में बिल्कुल गलत तरीके से निकले उनके अभियोग पंजीकृत अवश्य विधिक कार्रवाई भी की जाएगी।